शाक मैं जुगाड़ू कमलेश सो स्वीट हेलो सर मैं जुगाड़ू कमलेश हेलो मैम हेलो मैं जुगाड़ू कमलेश हेलो जुगाड़ू कमलेश आपका नाम बहुत बढ़िया है जुगाड़ू कमलेश हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड मॉलीवुड मतलब मालेगांव और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश क्या बात है मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है देवरपाड़े बोल के तो मैं वहां से आया हूँ मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान मेरा पूरा परिवार खेती करता है जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का नरू इकड़े रे नरू शख्स आप जो ये टंकी देख रहे ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है हमारे मुंह में आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना अब वो पागल है जी क्या है कैसा है वो तो क्या बताऊँ उसे पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ एक बात तो बोलता ही ना बड़ी बात ना मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है मेरे पास जुगाड़ का सामान है उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा ये रे बाल वाह बड़े भाई का लड़का है अच्छा किती वर्षाचा है तो 21 वर्षाचा हो का मग बाळ का तुम्ही मराठी तू किती वर्षाचा आहे मी 27 वर्षाचा तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का हो अरे वा खरंच जुगाडू स्टाइल आहे तुझी ये जो मैं कुछ करता हूँ ना बनाता हूँ ना मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है कुछ भी करता है बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है इसलिए इसको साथ में लेके आया अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं होता मैं यहाँ तक पहुँच गया उसे घर पे कैसे छोड़ के आया ऐसा यार आना रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो नरू नरू ये रे पटकन तो आप देख सकते 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे बहुत बहुत अच्छा बहुत बढ़िया इनोवेशन शख्स मैंने ये डिजाइन खुद किया है बहुत सारी कंपनियां है बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है कोई ड्रोन बना रहा है ड्रोन से स्प्रे कर रहा है बट अपने भारत देश में 70% किसान है उसमें से 50% है वो छोटे किसान है तो मैम छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना तो मैंने ये चीज बनाई इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं तो मैं चेंज कर देता था और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया और शायद ये मल्टीपर्पज है मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाले व्हील घुमा सकते हैं अच्छा तो झुकना नहीं पड़ता नहीं कुछ नहीं और आप जो ये डिजाइन देख रहे ये जो डिजाइन ये जो है ना ये खुल जाता है ये अलग हो जाता है और खाली ये ट्रॉली है ना ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं अच्छा आप कहीं पे सर्च मार लो सर YouTube पे Facebook पे कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर पर नरू सॉरी कमलेश जी कमलेश मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना ली मतलब वो तो बहुत आराम से बन रही है मैम देखो खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना ये प्लेन जगह है मैम यहाँ पे जो हम चलेंगे तो जमीन में पैर नहीं जाएंगे तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ और मैंने ऐसे एक नहीं 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर इसका वेट भी कम है क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई और क्या होता है ना खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता कोई खेती करने के लिए तैयारी नहीं सर
तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि एक माँ को बेच के कौन जी सका है, क्योंकि खेती हमारी माता है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे। कमलेश, आपका आस्क क्या है आज? 30 लाख के लिए 10% इक्विटी देने के लिए तैयार हूं सर। और उसमें क्या मिलेगा, मतलब आज की बिजनेस है कोई आपके पास? सर बहुत बड़ी, मतलब सर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। बहुत बड़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आपका, दिल से आया रिप्लाई। जुगाड़ू अच्छा नाम है आपका। चलो बिजनेस की बात करते हैं, कितना कितना कमा रहे हो? सर मैंने आज तक एक भी नहीं बेचा सर। अच्छा, क्योंकि अच्छा, मुझे फंडिंग नहीं थी सर, मुझे मैं यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ ये मुझे ही पता। कॉस्ट क्या है बनाने का? अब कॉस्ट सर मैं इसे 8,000 में एक बनाता हूँ। आपको लगता है 8,000 ना? हाँ, कि आप बेचेंगे 8,000? नहीं नहीं, बेचेंगे 12,000 तक। और ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है, उसकी कीमत भी इससे ज्यादा है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो इसे मैं इलेक्ट्रिक भी बना सकता हूँ सर। अगर ये इलेक्ट्रिक बन गए ना सर, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम धमाका मचा देंगे। अगर इसमें हम बैटरी इलेक्ट्रिक लगा देंगे ना, तो हम सीड ड्रॉपिंग भी करेंगे। जो पेरने बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेरने के लिए बेल लगते हैं। और बेल की कीमत क्या है सर? 2 बेल की 50,000। अगर किसान को 50,000 लेके पेरनी करनी होगी, तो उसको 12,000 में उसका काम हो रहा है, तो वो किसान जरूर लेगा ना मैम। और उसको एक ही चीज में 3 काम मिल रही। ये क्या चीज बोला हमने? पेरनी। पेरनी, सीड ड्रॉपिंग। कमलेश जी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी एनर्जी, आपका डेमो, आपका जोश, आपका जुनून, उस पे 100 में से 100 marks। मतलब क्या आपने प्रेजेंट किया है, आप इतनी एनर्जी लेके आए स्टेज पे कि हम सबको आपने एनर्जाइज कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन से। हम किसान लोग हैं, हम कितने भी मतलब थके रहे ना, तो हमें एनर्जी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें रात में 12 बजे भी उठना पड़ता है मैम। आपने कमलेश जी बोला, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है कॉन्टैक्ट किया, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो उनको और कहीं नहीं मिला, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि वो क्या कंपनी? मैं बताता हूँ मैम, जब मैंने ये चीज बनाई, जो नरू दिख रहा है ना, उसने हाँ? मेरा वीडियो निकाला। अच्छा, वो वायरल हो गया, 65 लाख व्यू है उसके। अरे वाव। आप वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने डाला है आपके पास? हाँ है सर, आप देख सकते हैं। ये रहा 2017 की वीडियो। ये आवाज क्या आ रही है? ये स्प्रे की। अच्छा, पंप। उसके बाद में न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल पे आया। उसके बाद में बहुत लोगों ने बोला कि ये हमें चाहिए। जो चीज चाहिए थी मेरी रेडी नहीं थी, तो मैं किसानों को दे नहीं सकता था। अगर मुझे आपकी हेल्प हो गई तो मैं एक नंबर चीज बना। पर कोई कॉपी कर लेगा ना ये? कॉपी कर लेगा ये? हाँ सर, मुझे मतलब पेटेंट के लिए मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया सर। कमलेश, मैं 2 बात करूँ आपकी हेल्प ट्राई करता हूँ करने के लिए। हम जब बैठते हैं, देखते हैं यहाँ वहाँ, तो हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारे देश के बारे में कि इंडिया में ये गलत है, भारत में ये गलत है। आपको देखकर एक बार फिर से विश्वास जाग गया कि जो 2020 से 2030 की सदी है ना, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की है। जैसे इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स छा गए दुनिया में, वैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की सदी। और खाली बिग टाउन की नहीं है, ये आप जैसे किसानों की भी सदी है। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा विश्वास पैदा हुआ। थैंक यू सर। लेकिन जिस स्टेज पे आप है ना, ये आविष्कार के लिए आपको फंडिंग मिलना मुश्किल है, क्योंकि आज तक आपने एक भी नहीं बेचा। लेकिन निराश नहीं हुए, क्योंकि ये स्पेस में, एग्रीकल्चर में, इस टाइप के आविष्कार के लिए ग्रांट्स बहुत मिलते हैं, तो मैं आपकी जरूर उसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा समझता नहीं हूँ, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आउट होना चाहूंगा। लेकिन आपने बहुत प्रेरणा दी आज, बड़ा मजा आया मुझे। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरे कुछ सवाल हैं, आपने पढ़ाई की है? हाँ सर, मैं 12th साइंस किया, उसके बाद में मैंने BCA सेकंड ईयर तक किया। अच्छा। बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कुछ आता ही था, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इसमें था। तो आपका विजन क्या है, अभी करना क्या चाहते हैं सर? मुझे खाली किसानों तक, खाली यही किसानों तक पहुंचाना है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा की क्या हालत है, और ऐसे बाकी बहुत सारे किसान है सर, कि उनकी बहुत हालत बुरी है सर। ये अगर किसानों तक पहुंच गया तो सर मैं हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, मेरे पास हर चीज के लिए कोई ना कोई जुगाड़ है। मतलब हर खेती, ग्रास कटिंग के लिए, ये जो दिख रहे ना मक्का, इसे काटने के लिए भी मैं जुगाड़ बना सकता हूँ सर। सब चीज पे मैं कुछ ना कुछ बनाना चाहता हूँ, और मेरा काम चालू ही सर।
ऐसे नहीं, एक प्रोडक्ट बना दिया और मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं सर। कमलेश जी, आपने किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करके उसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की? नहीं मैम, नौकरी करूंगा तो 24 घंटे के लिए किसी का गुलाम रहूंगा, और हम किसान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं रहने चाहते। खेती में काम करेंगे, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। इसके लिए मुझे ऑफर आई थी, 5-10 लाख रुपए ले लो, अपना बात खत्म कर दो। जिस चीज के लिए मैंने 7 साल लगाए वो मैं कैसे बेच सकता हूँ? 30 लाख रुपए का क्या करेंगे आप? सर 30 लाख का तो मैं पहले मतलब जो इसे बनाने में मुझे जो मशीन नहीं थी वो लूंगा। क्या मशीन? जो वेल्डिंग मशीन आती है, ड्रिल मशीन आती है, वो लूंगा। सर एक बनाने के लिए मुझे 8,000 खर्चा आया। अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो खर्चा कम होगा, 7,000 होगा। जितना ज्यादा बनाएंगे उतना खर्चा अपना कम कम होता जाएगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। कमलेश ये बनाएगा कौन? सर मैम मैं खुद भी बना सकता हूँ, और मेरे गांव में ऐसे जो नौजवान है, जो लड़के है, वो ऑलरेडी ITR कर चुके हैं, कोई इंजीनियरिंग कर चुका है, तो मैं उनको साथ में लूंगा ना। उनको ऐसे भी काम नहीं, वो मेरे काम में आ जाएंगे, उनको पेमेंट भी मिलेगा और हमारी अलग इंडस्ट्री तैयार होगी मेरे गाँव में, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। सो जुगाड़ू कमलेश, मैं आपको एक तो पहली बात बोलूंगी, आप इसमें जुगाड़ू सुपरस्टार कमलेश डाल दीजिए। आप बहुत पैशन से बात करते हैं और मतलब किसानों की वकालत आपके जितना अच्छे से कोई नहीं कर सकता। मतलब हम सबको पर्सपेक्टिव ही नहीं था जो आपसे मिला है। तो मुझे तो लगता है कि आपको 30 लाख बहुत आसानी से क्राउड फंडिंग जैसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना वीडियो लगा सकते हैं और वहाँ लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉज भी है। तो वहाँ इंडिविजुअल लोग जो 65 लाख लोग हैं, वो हर इंसान लाइक 50 पैसे डाले तो भी आपका जो मतलब जो गोल है वो मीट हो सकता है। तो मैं अभी इससे बाहर हूँ, पर बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत वेरी इम्प्रेस्ड आप जो काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। कमलेश जी, आप जो कर रहे हैं ना वो काम तो बहुत बढ़िया है। एक किसान की जो बात है वो एक किसान ही समझ सकता है, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो सल्यूशन हो। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन है, प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे आपको अगर 30 लाख दे भी देती हूँ तो मैं कोई वैल्यू आप ऐड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक बार ये आप कुछ यूनिट्स बनाएंगे वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर बाकी कितने किसान हैं इंडिया में, है ना, वो स्केल पे करने वाला बिजनेस है। आज के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। कमलेश तुला भेटून खूपच चांगलं वाटलं मला। थँक यू मॅम। और जुगाडू कमलेश के बदले शहाणा कमलेश ऐसे लिख दो तुम। तो मेरा भी ये मानना है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज और क्राउड फंडिंग में हम आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, उसके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ। बट ऑल द बेस्ट कमलेश। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं गांव से यहाँ तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। और लाखों किसान आपको देख रहे हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ तक सर पूछिए मत कैसे पहुँचो। ये शार्क टैंक वाले आप तक आए थे कि भाई हमको गांव से कोई चाहिए? नहीं नहीं। तो फिर मैंने एड देखा था। कहाँ पे? मोबाइल में। हाँ मोबाइल में। फिर और मुझे मतलब उसके बाद मैंने फॉर्म भरा, स्टेप बाय स्टेप फिर यहाँ तक पहुँचा। तो अभी तक आपने ग्रांट क्यों नहीं लिया किसी से? किसी ने दिया ही नहीं ना। तुमने अप्लाई नहीं किया आज तक ग्रांट के लिए? अप्लाई तो नहीं किया सर, पर किसी ने बोला भी नहीं। हम हेल्प करेंगे आपकी। कितने कितने बेचोगे, कितने बेच लोगे ये? सर मैं दिन रात करके बहुत बेच सकता हूँ सर। एक साल में कितने बेचोगे? एक साल में सर अभी तो मेरे 1,000-2,000 कस्टमर है ऑलरेडी। 1,000-2,000 कैसे है भाई? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने जो वीडियो है वायरल हुए उसमें से मुझे कमेंट आई है, और किसी कॉल भी आए, वो कॉल मैंने सेव करके रखे। जब भी ये प्रोडक्शन होगा तब वो बोले कि हमें दे देना, उन्हें दे सकता हूँ सर। बट एक बार स्टार्ट हो गया ना सर, मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा, नहीं रुकूंगा। तो ऑफर देता हूँ आपको, चलो यार ऐसे आप आए हो शार्क टैंक में, कितना पैसा चाहिएगा आपको इसको प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में उतारने के लिए? सर जो भी आप दोगे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे खाली लॉन्च करना है सर। कितना पैसा चलेगा लॉन्च करने में? 20-1 लाख चलेगा सर। इतना पैसा क्यों लगेगा सर? शुरू में मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी। ऐड को भूल जाओ यार, बनाने का बात करो, ऐड की बात मत करो। बनाने का 10 लाख में हो जाएगा सर। 10 लाख में काम हो जाएगा, राइट? मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? और कोई पार्टनर वगैरह है आपका अभी? नहीं
अपने पार्टनर तो नहीं सर, बट वो नरू है ना, वो साथ में रहेगा। अच्छा। उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे नहीं छोड़ोगे? कितना उसके लिए कितना परसेंटेज रखा है आपने? मतलब जॉब भी रहेगा सर, इक्विटी भी थोड़ी बहुत रहेगी उसको, क्योंकि वो 24 घंटे काम करेगा। इस विषय में आपने सोचा नहीं, राइट? हाँ, बट वो साथ में रहेगा सर। वो साथ में रहेगा? लोन लेने की कोशिश किया आपने पहले कभी? नहीं सर। आपने कोशिश ही नहीं करी? क्या चल रहा है पीयूष भाई आपके दिमाग में? आप ठीक है? आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं, पानी क्यों चाहिए? इतने बड़े लोग बेटे, खुश नहीं रहूंगा तो क्यों? ठीक ही रहूंगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा। 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, ठीक है? मैं आपकी 40% इक्विटी लूंगा, ठीक है? और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। जैसे जैसे बाइक बिकेगा ना, उसमें जो मुनाफा होगा आप उससे वो लोन मेरे को वापस कर देना, ठीक है? जब कंपनी के पास पैसा होगा। वो फ्लेक्सिबल हूँ मैं, जैसे आपका बाइक बिका, एक बाइक बिका 4,000 रुपये बचा, आप 1,000 रुपये मुझे वापस कर देना, ऐसे कर करके आपका 20 लाख रुपये आप मेरे को लोन वापस कर देना, और 10 लाख रुपये जो मैंने दिया आपको वो आप मेरे को 40% इक्विटी दे दो। 10% हमने नरू के लिए रख दिया, 50% आपका। ठीक है सर। क्या लग रहा है भाई, हाँ की ना? हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। हाँ सर। हाँ सर, कांग्रेचुलेशन। और आपके साथ में काम करूंगा तो सर, मतलब ये कार से कार तक पहुंचा दूंगा। अरे नरू को निकाल भाई, नरू, ए नरू इकड़े, ए नरू, नरू का नरू, नरू ऑलरेडी पार्टी मना रहा है। अरे बाबा, अरे कांग्रेचुलेशन नरू, कांग्रेचुलेशन। आप इनका बहुत बड़ा सहारा हो यार। वो एक पिक्चर आई थी दीवार, उसमें कहते मेरे पास माँ है, ये कहते मेरे पास नरू है। आप इतना बड़ा सहारा। आप जो है ना, आप भारत की उम्मीद हो, ठीक है? तो आपको सपोर्ट किसी ने नहीं किया, पर मैं करूंगा। Amazing. Well done. ठीक है? मैं आपको, आपको भी 10% मिल गया आज। अरे भाई ये सब मत करो यार, प्लीज। आपने भी क्या कहा, मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, तो ये सब मत करो, समझे? आपके लिए भी मेरी रिस्पेक्ट है। आप यहाँ तक आए हो ना, कैसे पहुंचा मुझे? हाँ, तो पैर वैर मत छुओ। बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त। मस्त लग रहा है ना? बहुत आगे तुम्हारा वीडियो खूब आनंद डाला। नहीं यार, बहुत लाइक क्या हो तुम यार। नरू, ए रे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। और तुम्हारी भी, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी है। कंग्रेचुलेशन भाई कमलेश। कभी मालेगांव में आना हुआ तो पूछ लेना जुगाड़ू कमलेश का घर का है। आपको छोड़ देंगे सर, सबको छोड़ देंगे मेरे घर तक। बाय। इमोशनल कर दिया इसने। पीयूष, आई एम योर बिगेस्ट फैन नाउ। पीयूष, पीयूष तुमने बहुत, यू आर ऑसम। देखो यार, कुछ हो ही जाएगा, इनको भी कोई बड़ा आदमी बनाएगा। बिल्कुल, आप बनाओगे। एनर्जी तो बहुत है, परसिस्टेंस बहुत है इनमें। दिल को छूने वाली डील हो गई। हाँ। बट यार बंदे में बात तो है यार। मैंने एंड में उससे पूछा कैसा लग रहा है, कह रहा है अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उसको ये निराशा ही नहीं है कि मुझे डील नहीं मिली, वो इतनी खुश है। बड़ा साफ लड़का है, बहुत दृढ़ता है, इतनी परसिवियरेंस नहीं मिलती है यार। हम तो आधे रास्ते में ही छोड़ देते, वो 7 साल से लगा हुआ। हाँ। सलाम पीयूष।